मैं ये साबित करना चाहता था कि एक साधारण सा युवक भी सफल व्यापारी बनकर पूरे संसार में अपने नाम का डंका बजा सकता है। ये शब्द हैं भारतीय टेलीकॉम कंपनी के बेताज बादशाह श्री सुनील भारती मित्तल के। आज पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनके टेलीकॉम ब्रांड एयरटेल का नाम सुना ना हो। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 19 देशों में आज एयरटेल अपनी टेलीकॉम सेवाएं प्रदान कर रहा है। पर क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये हजारों करोड़ का साम्राज्य मात्र 20,000 रुपए और एक 18 साल के युवक के सपने के साथ शुरू हुआ था? पर आपको ये विश्वास करना होगा क्योंकि आज इस युवक का वो सपना साकार हो चुका है। तो चलिए जानते हैं सुनील भारती मित्तल के जीवन के बारे में। सुनील भारती मित्तल का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में 1957 में हुआ था। उनके पिता श्री सतपाल मित्तल एक राजनेता थे और दो बार लोकसभा से और एक बार राज्यसभा से सांसद रह चुके थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई मसूरी के वाइनबर्ग एलन स्कूल और बाद में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हुई। सन 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्राप्त कर ली। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, पर सुनील के सपने बहुत बड़े थे। वो बहुत मशहूर और अमीर व्यक्ति बनना चाहते थे। पढ़ने लिखने की उम्र में भी उनकी दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में नहीं थी। वो खुद का अपना कोई कारोबार स्थापित करना चाहते थे जिसके जरिए वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। अपने सपने को पूरा करने के लिए मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 1000 रुपयों से साइकिल के पार्ट्स बनाने का व्यवसाय शुरू किया। उस समय लुधियाना में हीरो साइकिल का बहुत नाम और आज भी हीरो साइकिल का अलग मुकाम है। सुनील मित्तल ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपना पहला बिजनेस हीरो साइकिल से ही लिया था। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए सुनील भारती मित्तल बताते हैं, मैंने सबसे पहले साइकिल के पार्ट्स और हौजरी के लिए धागे बनाने का बिजनेस शुरू किया। शुरुआती दिन बहुत ही कठिन थे और मैं इस बिजनेस से बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ही कमा पाता था, लेकिन मैं हर रोज जब रात को सोने के लिए जाता था तो अपने मन में विश्वास दिलाने के लिए खुद से कहता था कि कल पैसा आने वाला है। अपने मन को इस प्रकार का विश्वास दिलाने के बाद मुझ में एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता था। सुनील भारती मित्तल की किसी भी हालत में हार ना मानने की जिद, कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम था कि उनका वो बिजनेस थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ ही साथ चल निकला। पर वो उतने से ही संतोष करने वाले नहीं थे। जब उन्हें लगने लगा कि वो एक ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं जिससे उनके सपने पूरे नहीं हो सकते, तो उस व्यवसाय को बेचकर वो लुधियाना से मुंबई आ गए और मुंबई में वो अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नए बिजनेस की शुरुआत करने लगे। उन्होंने अपने नए बिजनेस के लिए जो कंपनी बनाई उसका नाम था भारती ओवरब्रिज ट्रेडिंग कंपनी। माया नगरी मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, इसलिए सुनील भारती मित्तल को भी यही लगा कि अपने सपनों को सच करने के लिए मुंबई से बेहतर कोई और जगह नहीं है। फाइनली उन्होंने मुंबई में भारती ओवरब्रिज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक नई कंपनी बनाई और उसके जरिए जापान से पोर्टेबल जनरेटर मंगाकर भारत में बेचना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि सुनील को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, पर फिर भी उनके अंदर कामयाब बनने की इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने इस बिजनेस की जम के ट्रेनिंग की और इस प्रकार से खुद को ट्रेंड किया। इस नए बिजनेस में उनके पिछले बिजनेस का अनुभव तो काम आया है, साथ ही उनकी हर रोज कुछ नए सीखने की भूख ने भी काफी मदद की। सुनील का मानना है कि हर परेशानी एक नए अवसर के रूप में आती है और जो उस परेशानी को सफलता के संकेत मानकर आगे बढ़ते रहते हैं, आखिरकार विजय उनको ही मिलती है। उन्होंने इस फॉर्मूले को तब भी आजमाया जब बिजनेस में पैदा हुई एक विपरीत परिस्थिति के चलते एक झटके में ही उनका सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। असल में जब उनका जनरेटर इंपोर्ट करने का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, तब सरकार ने इंपोर्ट पर अपनी नीति बदल दी जिसके चलते सुनील मित्तल का बिजनेस रातों रात बंद हो गया। सरकार ने अपनी नई नीति बनाकर फौरन से जनरेटर के इंपोर्ट पर रोक लगा दी और देशी उद्योग के बढ़ावा देने के इरादे से भारतीय कंपनियों को अपने देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया। अचानक अपने फलते फूलते जनरेटर बिजनेस बंद होने के बावजूद सुनील भारती मित्तल ने हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो तमाम तरह से आपके बढ़ते कदमों में अवरोध लगाए ही जाते हैं। सच तो ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ने की कला सीख ली थी। इसीलिए उन्होंने आगे चलकर भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड नाम से एक और कंपनी बनाई और उस कंपनी के जरिए जर्मनी की एगी सेमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर भारत में पुश बटन टेलीफोन का निर्माण करना शुरू कर दिया। सुनील भारती मित्तल की सूझबूझ की दाद देनी होगी। जिस समय उन्होंने भारत में पुश बटन टेलीफोन का निर्माण करना शुरू किया,
उस समय भारत में रिंग बटन वाले टेलीफोन प्रचलन में थे। भारतीय बाजार ने अति आधुनिक पुश बटन के खूबसूरत से दिखने वाले फोन को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते उनका नया बिजनेस चल निकला। ये 1990 के दशक की बात है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनके इस नए बिजनेस ने उन्हें उद्योग जगत का चमकता सितारा बना दिया। आगे चलकर बिजनेस में विस्तार करते हुए सुनील ने अपनी कंपनी के माध्यम से फैक्स मशीन, वायरलेस फोन और तमाम तरह के अति आधुनिक दूर संचार उपकरणों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया। सुनील भारती मित्तल भारत के दूर संचार उद्योग की एक हस्ती के रूप में स्थापित हो ही रहे थे कि तभी एक और घटना हो गई। ये 1992 की बात है। आर्थिक और औद्योगिक उदारीकरण के दौर में जब भारत सरकार देश में पहली बार मोबाइल सेवा की शुरुआत के लिए लाइसेंस बांट रही थी, तब सुनील मित्तल को लगा कि ये वो मौका है जिसे लपक कर वो सिर्फ ना भारत के दूरसंचार उद्योग का किंग बन सकते हैं बल्कि खूब सारी दौलत और शौहरत भी कमा सकते हैं। उन्होंने भारत में मोबाइल सेवा शुरू करने का लाइसेंस लेने के लिए फ्रांस की दूरसंचार कंपनी विवेंडी के साथ करार किया और उसके साथ दिल्ली क्षेत्र का लाइसेंस प्राप्त किया। 1995 में सुनील भारती मित्तल ने सेलुलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारती सेलुलर लिमिटेड ब्रांड के तहत कार्य शुरू किया। जल्द ही एयरटेल 2 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली दूर संचार कंपनी बन गई। इसके बाद भारती सेलुलर लिमिटेड ने इंडिया वन नाम से भारत की पहली निजी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूर की एसटीडी और आईएसटी टेलीफोन सेवा प्रारंभ की। सुनील भारती मित्तल की सूझबूझ और व्यावसायिक सफलता का ही उदाहरण है कि आज एयरटेल और उनकी टेलीकॉम सेवाओं के दुनिया भर में 20 करोड़ से भी अधिक ग्राहक हैं। भारत के दूरसंचार के क्षेत्र में विजय पताका फहराने के बाद सुनील ने दूसरे देशों में अपने कारोबार को फैलाने की कोशिश की। अपनी मेहनत और सूझबूझ के बल पर जमीन से उठकर बुलंदियों के आसमान का सफर करने वाले टेलीकॉम किंग सुनील भारती मित्तल को 2007 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सम्मान देश के लिए बहुमूल्य योगदान देने वालों को दिया जाता है। आज देखा जाए तो उनके पास सब कुछ है, मगर फिर भी उनका मानना है कि अभी तो बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। सुनील भारती मित्तल की इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि व्यक्ति जितना भी बड़ा सपना देखता है उसे उतना ही बड़ा कामयाबी का मुकाम मिलता है। दरअसल वो सपने ही होते हैं जो आपकी आंखों से पलते हैं और आप अपने सपनों के हिसाब से उन्हें पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। सपनों की शुरुआत एक सोच से ही होती है। सोच ही वो माध्यम है जो आपको दुनिया में कुछ खास करने के लिए प्रेरित करती है। सुनील भारती मित्तल ने अपनी सफलता से ये साबित किया कि इस दुनिया में कोई भी साधारण से साधारण आदमी अपने संकल्प और प्रयास के बल पर संसार का कामयाब इंसान बन सकता है। दोस्तों, हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को आगे शेयर करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मानस पृथ्वी यूट्यूब चैनल के साथ।